बीते 10 वर्षों में भारतीय रेलवे का अभूतपूर्व विकास देखने को मिला है। मोदी सरकार ने न सिर्फ रेलवे की तस्वीर बदली है, बल्कि यात्रियों का सफर सुगम बनाने के लिए वंदे भारत, रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया है। और अब मोदी सरकार भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाने जा रही है, जिसे देख यात्रियों को न्यूयॉर्क, टोक्यो और पेरिस की याद आ जाएगी। जी हाँ, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जो पलवल के रूंधी से लेकर दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के चोला स्टेशन तक बनेगा। इस 61 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक को बिछाने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिल चुकी है और यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रूंधी से चोला के बीच रेल लाइन और स्टेशन की कार्य योजना भी तैयार कर ली है। डीपीआर की माने तो इस रेल लाइन के शुरू होने से करीब 1.22 लाख यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस स्टेशन के पास से ही दिल्ली वाराणसी रैपिड रेल और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले रैपिड और मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा। बता दें, अभी तक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन सिर्फ न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाए गए हैं, मगर मोदी सरकार में ऐसा अत्याधुनिक सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन का निर्माण भारत में भी हो रहा है, जिससे भारतीय रेलवे के विकास को लगेंगे पंख और होगा देश का शानदार विकास।